एक हाथ धर्म की नाथ की मनाती करता है, तारीफ भी कर सकते थे और एक हाथ उस कविता के विरुद्ध कल्पना में चीजें लिख सकते थे और दोनों आउट हो गए। पता चले भी क्या कर रहे हैं, यानी बदल चापूसी कर रहे हैं और धर्मवीर भारती भी चापूसी कर रहे हैं उनकी तारीफ लिखते हुए, लेकिन उसका अपनी चिट्ठी में लगे साथ दूसरा वर्डन लिख रहे। तो राजमंडल भी ऐसे करते रहते थे। एक बार मेरे साथ जो उनका व्यक्तिगत है वो मनोविरोध के लिए सुना चाहिए लक्ष्य नहीं है कि मैं अमेरिकन लाइब्रेरी का सदस्य था, इसके बावजूद कि मैं थोड़ा सा वाम पक्षी था तो उसमें क्या अंतर करता है। और हम लोग विदेशी पत्रिकाएं भी पाते थे, बाद में हमने कहा कि और तो हमें पत्रिकाएं देना और उनको सी आई ए द्वारा समर्थित वो प्रकाशन कर दिया था, पता नहीं बंदा हो तो वापस करते और उसमें बड़ी बढ़िया पत्रिकाएं आती थी, उसमें डिस्कवरी आती थी, मॉडर्न लिटरेचर एसोसिएशन का आता था, तो बहुत सारे थे अक्सर रिव्यू कैनियन रिव्यू ये सब जो नहीं मिलते थे। पर राजभवन ने क्या किया कि मैं लाइब्रेरी प्रिंसिपल से मेरी लाइब्रेरी कार्ड लिया और चार किताबें उन्होंने लिखी, चार बहुत बेशकीमती आर्ट की किताबें जबरदस्ती उनको कहते थे मैं जल्दी वापस कर दूँगा ले लूँगी उनका ही डॉलर थी और ले करके राजभवन कभी कबूल करता। अब उनकी गुजार में शुरू हो गई किताब वापस करो, तो मैं राजभवन से उन्होंने साधन पुरस्कार था, राजभवन को भी पुरस्कार लिखी किताबें पुरस्कार किसी ने हाथ दिया जैसा भी हो सकता है यहाँ हो मुझे बता दी मैं देखिए वापस होता मुझे बराबर नहीं दे रही। तो राजभवन चौधरी ने जवाब नहीं दिया, राजभवन चौधरी शहर में आया तो उन्होंने एक बयान दिया उनका जो सुना इन साम्राज्यवादियों ने हमें बहुत चूसा है, हमें बहुत टूटा है, मैं अपने हिस्से का वापस बाद में वो कैंसिल हुआ वो उन्होंने मुझे नोटिस किया वगैरह होता है, उन्होंने कहा मैं तुम संबंध लोग कैंसिल कर दिया, फिर मुझे दोबारा लाइब्रेरी मेंबरशिप के लिए बदला गया वहाँ। तो अमेरिकन लाइब्रेरी वाले ने बताया कि आप अब अपना जो आपने जीत की विमल पहले लिखा था उसकी जगह आप गंगा प्रसाद कर रहे, तो मैं अपने गंगा प्रसाद में मुझे बड़ा रोचक लगा कि उस किताब में छोड़ देता हूँ गंगा प्रसाद मेरे नाम दूसरे नाम से बन जाऊँ पर वो मौका नहीं कर सकते। लेकिन राजकुमार चौधरी आदि जी उसी समय से बढ़े और आप उनके जो उनके मृत्युपूर्व थे जो बाकी व्यवहार से जो खर्चे उसको देख लीजिए वो एक खास जिम्मेदारी से भरा हुआ रूपए। क्योंकि लेखक होना जो है मुझे लगता है कि लेखक का रास्ता चुनना जो है ये बहुत कठिन रास्ता, पहले तो ग्रामर लगता है कि लोग पूछेंगे ये पूछेंगे कहना है ना देख लीजिए आप इतनी जैसे ले ली सकते, लेकिन जब आप बार बार रास्ते खड़े नहीं कर सकते तो आपको उतने संघर्ष करना पड़ेगा, उतने बाह्य संघर्ष करना पड़ेगा, उतने संघर्ष सारी जो सारी जन क्षेत्र है उससे एक व्यक्त होना पड़ेगा। लेखक असली लेखक वही होता है जो कि एक तरह से प्रतिपक्षी होता है, जैसे आप प्रतिपक्ष जैसे आप प्रतिपक्ष में आज रिस्क समझते हैं ऐसे लेखक होना भी प्रतिपक्षी होना है, यानी आप क्षेत्र की पत्रिका में छप रहे हैं लेकिन कभी भी आप भली भांति खेल का कोई गुणगान कर नहीं सकते क्योंकि आप उसकी बुनियादी चीजें जानते हैं महाजनी पत्रिका की, उसके विरुद्ध हमेशा अपने सचेत के हालांकि साधन नहीं मिलते क्योंकि मुझे लगता है कि वो अंतर नहीं है। अर्थात लेखक आज के लेखक के लिए थोड़ा लेखन से देखना ही उसका सामग्री क्या है, उसके बाद वो जो दे रहा है वो कुछ खोल रहा है पा रहा है कुछ ऐसी जो रखिए। अब मैं बड़ा आशा हूँ मैं जब मेरे कुछ चीज़ें पढ़ता था तो आपको कहता हूँ तो मुझे लगता है हाँ हिंदी ऐसे कमजोर है, मैं अनुदान नहीं और कमजोर नहीं और इसके अंदर आप सब लोग की असंख्य आलोचना करता हूँ आलोचना आपको अच्छा लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कुछ लोग हैं जो चिराए थे जिन्हें आलोचना के क्षेत्र में ऐसा नहीं कि कुछ आप एकदम खारिज कर दें, कुछ लोग हैं जो बराबर लोहा लेते हैं अपनी बातें करते हैं और उसी से रास्ते निकलते हैं। तो हिंदी का एकदम निष्प्राण और प्राणहीन और समाप्त होता है जो क्षेत्र, लेकिन होता ही है कि कुछ ही लोग होते हैं जो उसको प्राणवत्ता सक्षम होते हैं, आइए उन्हीं को बोल करें उन्हीं को बोलते हम लोग करेंगे। छोटा सा सवाल है, छोटा सा सवाल है सर, लेखन में वैचारिकता महत्वपूर्ण नहीं आनंद होगी है, लेखन में वैचारिकता महत्वपूर्ण नहीं आनंद होगी
लेखन में वैचारिकता महत्वपूर्ण है, अनुभूति वैचारिकता क्या ये इसको उलट कर दीजिए, ये जो अनुभूति है अगर वो देख करके ऐसे प्रमाणों के रूप में व्यक्त होती है जो सामाजिक रूप को भली भांति दिखाती है तो वो हमारी वैचारिकता का निर्माण करती है। तो छोटा सा उदाहरण लीजिए कि हम किसी रोते हुए बच्चे को देख रहे हैं, अब वो क्यों रो रहा है, कभी लोगों ने सुनता है भाव को कहेंगे क्या हो गया, क्या बच्चा अगर टूटे खिलौने को जुड़ाने के लिए रो रहा है तो तात्कालिक समस्या है, लेकिन बच्चा अगर अपने रुग्ण माता के कारण या अपने घर की पारिवारिक स्थिति के कारण वो रुग्ण उसका के साथ हो, इसलिए मुझे लगता है कि अनुभूति जो है वो वैचारिकता की स्थान पर चढ़ करके ज़्यादा संगत और ज़्यादा विश्वजनीन होती है। और एक व्यक्तिगत अनुभूति तो जिसको आपकी मतलब मैं अक्सर पुराने गाने सुनता हूँ, पुलिस और मोहब्बत के गाने सुनती थी अपने प्रोग्राम के अंदर, जहाँ तक कि किरारी से मेरा मैं किरारी तो ये आपके इंटरव्यू का और काम नहीं था यही कि बस तुम्हारी जो है पूरी टेढ़ी हो गई तो बड़ा उदास हो गया हम ये हुआ, तो वो मुझे समझाने की कोशिश करते हैं भाई इसका सामाजिक उच्च ढूंढो पर्यटन दिए प्रेम दिए सरकारों को वापस आ जाए, लेकिन अभी पुराना जो बहुत पुराना जिसे भव्यतापूर्ण रूप से लोगों ने उसका गुणगान किया है उसे देखने में लगता है कि इसको व्यक्त करना है कारण ही है उनको अनुभूति को व्यक्ति का उसका सामाजिक दायरा विलुप्त परंतु इसका बड़े आलोचनात्मक विदेश दृष्टि पड़ताल करनी चाहिए, क्योंकि मात्र सामाजिक विवरणों से कोई अनुभव बहुत तीव्र होगा ये कहना संभव नहीं, उस तीव्रता की खोज को अच्छी खोज नहीं और वो खोज जो है वो कलावादी भी बहुत अच्छी तरह कर सकता है, मुझे कई बार बहुत बढ़िया तरह कर सकता है बजाय कि जो मात्र विचारवादी होगा, तो ये उसका विवेक और अभिवेक उसका विवेक जागृत होता है, तो उसके विवेक के जागृत हमने खारिज कर देना बहुत व्यर्थ है, जैसे निर्मल है आपको जैसे निर्मल का नाम है निर्मल हम लोगों के हीरो रहे हैं निर्मल और कुमार नारायण जी हम लोग, और निर्मल की जो आरंभिक चीजें हैं परिंदे वगैरह के मुकाबले में जो लंदन की एक माता पढ़ते वो हमें कुछ समझ आता है, एक वैश्विक नस्ली जो खतरा है उसकी उसका एहसास मिलता है, तो मुझे ये लगता है कि इस नए विवेक नए नए विदर्शात्मक दौर में चीज़ों को क्यों खारिज नहीं करने चाहिए, इसलिए खारिज किसी नहीं करते दक्षिण पत्नी लेखा बैस बड़ा रहती है वो कुछ नहीं करता ये कहकर कि वह उसको हो मैं भी खारिज करता था कमी को कमी को कभी जा रहे दक्षिण पत्नी में ऐसा कर दक्षिण पत्नी हो सकता है ऊपर उठा लेकिन उसकी कविता में स्पष्ट है उसे जानना बड़ा जरूरी है, तो इसलिए ये खेमे पत्नी में मुझे लगता है बहुत संगत नहीं है, अब उसकी बात ये खेमे पत्नी हम स्वयं ही उसको खारिज कर डालते हैं, मतलब अब जैसे मेरे बहुत सारे दोस्तों से झगड़े होते हैं वो कहते हैं कि इनके इतना बढ़िया गीत लिखा है, अब उसको समझाना बहुत कठिन है, मैं कहता हूँ गीत में सर्वश्रेष्ठ लिखा जा सकता है बंधुआ, अब इसको गीत के इसके तर्ज को इसके छंद को बदलने वाले को देखो कहते हैं इसमें तो कहा जा सकता है इसमें आप क्या नहीं चीज कहेंगे, तो इसलिए एक कहना चाहिए कि जो एक सम्यक विवेक है उसी से करना चाहिए और ये संभव है, हम अपने नए साहित्य जो एकदम लिखा जा रहा है उसको अक्सर ये सोचते हैं कि नए लड़के लिखना चाहता हूँ, लेकिन ये तो सोचिए जो नया लिखने के लिए प्रवेश कर रहा है वो जैदोजहद है कि मैं विभल की तरह भिन्न बातें हो गए इसलिए रुझान होगा, तो उसका वो केवल वो महत्वपूर्ण है बजाय का भी सामग्री ना हो सकता, और इसीलिए मतलब ये मानना पड़ेगा कि साइंस की दुनिया में जिससे हमारी खेमे हैं ये वो हमारी सुविधा के लिए प्रयोग करते पाएंगे, जो उसका मूल्यांकन उसको दृष्टि से नहीं किया जाना चाहिए, मेरा आपका अपना सुझाव है मैं नहीं करता हूँ। सर एक सवाल सवाल में जिज्ञासा है मराठी दलित साहित्य के लेखकों से सर कोई संस्मरण आपका समय का, क्योंकि समानांतर मराठी दलित साहित्य उस समय काफ़ी मजबूत
कुछ क्या रहा था, हिंदी में तो मेरे ख्याल से शायद कोई लेखक उस समय पर नहीं रहा होगा, लेकिन क्या कोई अनुभव उनके साथ में आपका? देखिए ऐसा है कि जैसे पहले भी आप लोगों ने ये प्रस्ताव रखा है कि हमें रचना को एक खास उदारता से देखना चाहिए, हम उदारता से देखने से उसके जो निष्कर्ष है जैसे हमारे यहाँ पहले बने हुए तो वो एक आरोप लगेगा। अगर हम दलित साहित्य को, दलित आत्मकथाओं को, दलित संस्करणों को ये मानकर चलते हैं आज क्या यही कुछ लिखा ही जा रहा था, तो इससे उसके ऐतिहासिक परिदृश्य को जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये तो आप मानेंगे कि आज भी हमारे सामाजिक जीवन में दलित के प्रति एक खास किस्म का विद्वेष है हमारे सामाजिक इकाइयों में। शहर में जाता हूँ हम लोग बराबर बाहर बैठे सभा में, लेकिन वो जो प्रताड़ना है जो गाँव में वो एक ऐतिहासिक प्रताड़ना जो बहुत पहले और हमारे गाँव के सामाजिक इकाइयाँ पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई थी वो थोड़ा हो, तो इससे दलित तीन उन संस्करणों को उस उदारता से देखने के प्रसंग में फिर देखना पड़ेगा कि हमारे सामाजिक जीवन की इन बुराइयों के मूल कारण क्या है, क्या हमारा जो समाज है वो ऐसे ही चलेगा, ऐसे रहेगा तो बदलाव नहीं आएगा। और मुझे लगता है कि ये जो नई धारा है दलित साहित्य की, ये एक तरह से इसके कलात्मक वैभव के जो प्रारूप है उन्हें हम अपने कलात्मक परीक्षण के जो हमारे पास आधार है उनमें उनके मुताबिक ना पाकर, क्योंकि हमें जो वास्तुशिल्प जो प्रेम का श्रृंगार का दूसरे रूपों का जो विभव है वो बड़ा उन्नत लगता है, बड़ा एकदम से ऐसा लगता है कि बहुत ही और भी बड़ा उद्दाम और बड़ा क्षणिक और बड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ये कि अब जो धीरे धीरे पूरे श्रृंगार के रूप बदले जो कला का पूरा रूप जो बदला है उससे एक संगति है। और एक दूसरा एक इसके छोटा समीकरण ये है, जब आप कलाकृति देखते हैं अगर आप बहुत ही हृदय कलारसी हैं और आप तो ये पेंटिंग देखते हैं तो उस पेंटिंग में तत्काल आप पर जो प्रभाव पड़ने जा रहा है तत्काल उसकी जो पौराणिक वस्तु भाव भावना है वो आपसे प्रभाव डाले, लेकिन उसके भीतर जो उसके और विचित्र रास्ते हैं दूर रहने के लिए पता चलता है उन दुनिया चीज़ों पर तो ज़्यादा, इससे मुझे लगता है कि दलित साहित्य को हिंदी के दलित साहित्य को इस उदारता से देखने की आवश्यकता है, तब हम ज़्यादा उसका अर्थ पा सकते हैं। और खारिज करने के लिए बहुत आसान है, छोटे व्याख्या लिखे हैं इससे तो बेहतर बाजार पढ़ते हैं दूसरे पढ़ते हैं वहाँ बहुत बड़े किसानों पढ़ते हैं। और भारत को जानने के लिए भी नए विधान से सामना करनी हो, क्योंकि भारत में भी अब जो है आप पाएंगे कि जो नई एक तरह की चिंता जागरूक होगी उसमें इन ऐतिहासिक सवालों से जानने की आवश्यकता है। बैग हो तो दोनों को सड़क मेरा निवेदन है कि हमें संयम से काम करना चाहिए सर, दो मिनट में काम दो बजे सर। प्रसाद बस एक अनुभव छोटा सा दो मिनट में जो है सुनाना चाहता हूँ। जब मैं बीए का विद्यार्थी था तो भागलपुर विश्वविद्यालय में, तो वहाँ पे एक तारकेश्वर बाबू थे पत्रकार थे, वो सिंह सब जानते होंगे बहुत पुराने आदमी थे और प्रेमचंद के जमाने के पत्रकार। तो जुदाई का आखिरी सप्ताह था जब मैं उनके घर पे गया था तो मैंने देखा कि वो आकाशवाणी वाले जो है ताम झाम लेकर के आए हैं, पता चला कि ऐसे से जो है प्रेमचंद जयंती पे जो है कुछ परिचर्चा कार्यक्रम है, क्योंकि वो अस्वस्थ थे काफ़ी बूढ़े हो चुके थे जा नहीं सकते थे स्टूडियो, तो वहाँ पर सारी चीज़ें ले आ करते थे उन्होंने। तो उस समय उस दिन जो है संयोग से मैंने एकाधिक चिट्ठियाँ देखी वहाँ पर जो प्रेमचंद के हाथ की लिखी हुई थी पत्रकार जो है ताकेश्वर बाबू के नाम। तो बाद में जिज्ञासा हुई कि अब इतने अच्छे संबंध हैं तो जरूर जो है इनकी मुलाकातें हुई होंगी, उनसे बातचीत हुई होगी, थोड़ा मैं जानूं। तो जब बातचीत हुई तो तब मुझे भी ये सोच के ये मतलब देख करके बातचीत में जो चीज़ें निकली उससे ये थोड़ा आश्चर्य हुआ कि सचमुच जो है साहित्यकार के बारे में आमतौर पर जो हम देख बना करके रखते हैं बिल्कुल वैसा नहीं होता। पहली बार जो है आश्चर्य हुआ जिसका जिक्र अभी भाई सांसद साहब ने किया, तो वो मैं बता रहा हूँ कि अगर वो चिट्ठियाँ
अगर उन चिट्ठियों पे जो है अगर दृष्टिपात किया जाए, वो तो ताकेश्वर हुआ बहन ही, उनके बेटे तुषारकांत हैं, उनके पास इस तरह का कुछ संस्मरण होगा और जमाने का, और हमारे हाँ उनको देखने की एक नई दृष्टि एक जो है मिल जाएगी उससे जो है, तो संयोग से देखिए आप तो कह रहे हैं प्रेमचंद के बारे में खुद उनकी धर्मपत्नी ने जो लिखा है, अगर वही देखिए तो प्रेमचंद को भूमि के तौर पर पेश है, प्रेमचंद की बहुत सारी शिवरानी देवी ने कहा जाता है कि हमने कराया है नाराज हुए उन्होंने करवाने की कोशिश की, ये सारी चीज़ें ना जाए तो प्रेमचंद को अगर मनुष्य के रूप में आया तो प्रेमचंद में बहुत सारी कमजोरियाँ रही हैं। हाँ तो बस वही मैं कह रहा था कि अगर इस तरह के जो भी लोग हैं, जो बच्चे छुटे लोग हैं, अगर इस तरह की परिचर्चा हम करवाएं या अगर वो चिट्ठियाँ हमें मिल जाती हैं तो एक तो वैसे तुषार कांत जी से बात हुई थी मेरी एक बार, तो फिर संजोग से जो है फिर बातचीत नहीं हो पाई, छह महीने पहले की ही बात है। जब आलोचना की बात करते हैं या चर्चा पर चर्चा की बात करते हैं तो उसी के क्या समय मान ली जाती है समय, उसको कभी भी इसके ना चर्चा करते हैं नाटककारों के बारे में ना उसके बारे में, तो क्या कर रहे हैं हमेशा जितना भी जो भी होता है की देख लीजिए कल शुक्रवार की तरफ से जब अचानक इस कार्यक्रम की योजना बनी और कुलपति महोदय ने कार्यक्रम में शामिल होने की कोशिश हम सहमति ली, उसके बाद सुबह जी के बारे में चर्चा हुई, तो उसी समय सर के साथ काफ़ी देर मेरा उनका बैठना होगा और उन्होंने अपने पारिवारिक जीवन के और छात्र जीवन के बहुत सारे संस्मरण बनाए, मतलब डेढ़ घंटा कल मैं लगभग उनके साथ में मैंने समय निकाला, तो उसी समय मुझे आभास हुआ था कि कल का कार्यक्रम बहुत प्राणवान रोचक रहेगा और मेरे ख्याल से आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छा था। जाहिर है दोनों लोग चूँकि उनके पास बहुत लंबा शारीरिक अनुभव है और बहुत सारे संस्मरण उनके पास होंगे और इस समय हम लोगों को सुनाने के लिए लोग ने अपने छात्र जीवन के उन अनुभवों को लिया जिस समय उनके भविष्य की आकांक्षा तैयार हो गई थी, उन व्यक्तियों के साथ रहते हुए उन्होंने व्यवहारिक जीवन में बहुत सारे अनुभव प्राप्त किए, तो हम आप दोनों के बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने इस संस्मरण को हमारे साथ साझा किया और हम लोगों को भी इस अनुभव से सीखने को मिला, और इसके अलावा आप सभी लोग जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए ईश्वर को भी प्रेरणा बनाए, तो आप सबका भी धन्यवाद।